मिलेगा, क्या क्या नई व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, रामलीला हर वर्ष ये प्रयास किया जाता है कि कुछ ना कुछ नया, हर बार कुछ ना कुछ नया हो। उसी संदर्भ में इस वर्ष भी बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। उसका जो पूरा सेट मंगाया गया इस बार सेंटर स्टेज का, वो पूरा दिल्ली से जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे मंगाया गया है सेट। और उसके बाद में सफाई का जैसे अभियान मोदी जी का चल रहा है, उसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा झाड़ू यहाँ पर रखा जाएगा, एक मैसेज दिया जाएगा कि लोग साफ़ सफाई पर ध्यान रखें। एक बहुत बड़ा चश्मा गांधी जी का बनाया जाएगा जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। और एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, जो सीता स्वयंवर वाला कार्यक्रम होता है, उस दिन 55 फीट का धनुष होगा वो, और वो 50 फीट ऊपर हाइट पे जाकर बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। वो बहुत ही लोगों ने मतलब उसको सराहनीय होगा, वो बहुत देखने में अच्छा होगा। जटायु का जो पात्र है इस बार वो विशेष रूप से बनाया जा रहा है। जटायु जी पे बहुत बड़ा फोकस किया गया है, जटायु का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात यह है कि मेले में भी इस बार विशेष रूप से आयोजन किए गए हैं। फूड कोर्ट चांदनी चौक से स्पेशल बुलाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली छः का जो चाट है और दिल्ली छः का जो खाना है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने चांदनी चौक से इस बार स्पेशल फूड कोर्ट लगवाया है। तो इस बार विशेष कुछ सफाई अभियान के बारे में बताया? देखिए, इस बार विशेष सफाई पर सभी जितने भी मेले में जितने भी हमारे स्टॉल लगाएंगे उन सबसे निवेदन किया है कि कोई भी पॉलीथीन का यूज ना करें, क्योंकि पॉलीथीन पे भी सरकार भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है। हम लोगों का भी प्रयास है कि इस मंच से हम ये मैसेज दें कि लोग कम से कम पॉलीथीन का यूज करें, ये बहुत ही हार्मफुल है जीवन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पॉलीथीन ना यूज करके कपड़े के थैले या कागज़ के थैले यूज करें। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा के लिए पूरे मेले को बिल्कुल चप्पे चप्पे पर मतलब CCTV कैमरे लगे हुए होंगे। हमारे 100 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो हर जगह मेले में सारे गेट्स में रहेंगे। पार्किंग की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिलता है, UPSITC का, प्राधिकरण के लोगों का सहयोग मिलता है। एम्बुलेंस यहाँ पे दो एम्बुलेंस हमेशा रहेंगी, किसी के साथ कोई कलाकार है या मेले में झूले में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो फर्स्ट एड की व्यवस्था तो इमीडिएट यहीं पे हो जाए, और अगर मेजर इंजरी है तो उसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। ना कोई फोटो होता है, तो इसलिए सब अपना काम छोड़ करके तो इस रामलीला में लगते हैं। तो इसमें कम से कम 3 महीने की हमारी तैयारी होती है। और इस बार जो हम भव्य सेंटर का जो स्टेज है वो हम दिल्ली से लेकर के आए हैं, जो इसका आर्किटेक्ट है, जो इसका बनाने वाला है कारीगर, वो हम दिल्ली से लेकर के आए हैं। और बहुत भव्य सेट सुंदर सेट बन रहा है इस बार। और इस बार फिर हमने रखा है सफाई अभियान के, उसमें बहुत बड़ा चश्मा और सबसे बड़ी झाड़ी ये भी इस बार रहेंगी। और जो क्योंकि पिछले बार वर्षा के कारण कुछ अव्यवस्था हुई, इस बार ठीक मौसम है, जो धनुष का कार्यक्रम है खंडित होने का, वो भी 55 फीट का धनुष 50 फीट ऊपर जाकर खंडित होगा, ये भी अपने आप में ही बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो इस बार जटायु है वो भी विशाल रूप में होगा, और जो लंका दहन है वो भी बहुत अच्छा होगा देखने लायक होगा। इसमें हम काफ़ी लंबी इस बार बना रहे हैं, उसकी लंबाई काफ़ी होगी, तो वो भी भव्य सेट होगा।